गोगरा देवसांग हॉट स्प्रिंग में डिसएंगेजमेंट पर बातचीत जारी है। 11 दौर की बैठकों में अभी तक सहमति नहीं बनी है। भारत ने चीन को कई बार दिया दो टूक जवाब, टकराव वाले इलाकों से चीन को हटना ही होगा। जब तक चीनी सेना नहीं लौटेगी तब तक तनाव बना रहेगा। राजन जी, सवाल यह है कि हमने अपना वादा निभाया है, उन्होंने कुछ इलाकों में निभाया, लेकिन अभी भी देवसांग प्लेन की अगर बात की जाए, गोगरा स्प्रिंग की बात की जाए, चाइना अभी भी अपनी पोजीशंस पर है, ऐसे संकेत मिलते हैं। ये तो बड़ा डिफिकल्ट सिनेरियो हो गया सर। जी मैं निशांत, ये बिल्कुल पहले से ही बात समझ में आ रही थी कि चीन जो वहाँ चीन की जो पॉलिसी है, जिसको कि अगर आप बड़े अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि उसका जो उसकी जो पॉलिसी होगी बिल्कुल कि आगे बढ़ेगा, अटैक करेगा, फिर गुरिल्ला टेक्निक को यूज़ करते हुए फिर पीछे चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि चीन बिल्कुल, चीन का जो स्टेप्स है, चीन के जो वहाँ पे एग्रेशन है लद्दाख में या दूसरे जगहों की भी बात करें तो उसी ढंग की पॉलिसी। तो जब भारत ने दबाव बनाया तो वहाँ पे पेंगोंग से सो से आपने देखा कि कैसे वो विड्रॉ किए, वहाँ पे एग्रीमेंट किए। अभी देवसांग और दूसरे जो गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया है वहाँ पे अभी बरकरार है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि मैं जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनका स्टेटमेंट में देख रहा था, नारावणे साहब का, तो उन्होंने बताया कि अभी उस ढंग के कोई ट्रांसग्रेशन नहीं हो रहे हैं, जो माहौल है वहाँ पे निगोशिएशन और बातचीत है। और उन्होंने यह भी बोला कि जो निगोशिएशन और बातचीत होते हैं दोनों कई इस ढंग के मुद्दों पे, तो उस पर कई बार 8 साल लगा था। पिछला जो जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 80s में तो उसमें 8 साल लगे थे। तो उन्होंने यह बताया कि बातचीत जारी है और दोनों आज भी एक रिपोर्ट आया था कि पहले को कमांडर लेवल की बात हो रही थी, अब डिविजनल कमांडर की, यानी कि जो लिटिग्रिटी जो लोकल लेवल पे है उस पर बातचीत हो रही है। तो उम्मीद बताई जा रही है कि शायद जो अग्रीमेंट्स हैं हमारे जो को कमांडर या दूसरे के बीच में जो वार्तालाप हो रही है तो उससे शायद निष्कर्ष निकल के आ पाए उस एरिया में भी। लेकिन हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि चीन की पॉलिसी जो मिलिट्री पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी है, उस पर भरोसा हम नहीं कर सकते, उस पर कोई भी पूरा वर्ल्ड में भरोसा नहीं कर रहा है। और एक बात अगर आप मुझे वक्त देंगे तो जो पहले आपने सवाल पूछा था कि वर्ल्ड में किस ढंग की राजनीति चल रही है, तो G7 की जो पॉलिसी है उसमें एक कंसेंसस अभी देखने को मिल रहा है कि अभी वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मैं यह नहीं कह रहा कि कोई भी कंक्रीट स्टेप्स लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, वहाँ पे चीन को एक एडवर्सरी के रूप में कई देश वहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे कि एक कंसेंसस जो बना है खासकर कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच है, जिसको एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड भी बोला जाता है। तो इनके बीच में कंसेंसस है कि चीन एक आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एडवर्सरी के रूप में इमर्ज किया है। जर्मनी, इटली और जो वहाँ पे फ्रांस है उसमें थोड़ी सी असहमति है, क्योंकि इन देशों का ट्रेड काफ़ी ज़्यादा है, उनके साथ डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है, और चूंकि ट्रंप की पॉलिसी काफ़ी आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी थी तो उनको लगता है कि अगर इस ढंग की पॉलिटिक्स फिर से इमर्ज करता है अमेरिका में तो वह यूरोपियन कंट्री के लिए फिर उसको उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा हैंडल करना। तो ये सारी बातें चल रही है, लेकिन चीन ये बता दूं कि गालवान के इशू पे चीन का टोटल मिसकैलकुलेशन था, उसने ना तो टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन वहाँ पे कुछ भी कर पाया और ना ही उसने कोई भी भारत को नीचा दिखाने की जो कोशिश होती है उसमें वह सक्सीड कर पाया। चीन के विरोध में सारे देश अभी कोर्ट कर रहे हैं कि चीन कैसे अग्रेसिव पॉलिसी लद्दाख में या साउथ चाइना सी में, ताइवान में और इंटरनली भी सिंचियांग और हांगकांग में कैसे वो दबाने की कोशिश कर रहा है ह्यूमन राइट्स और दूसरे इशू पे। तो चीन की काफ़ी बेइज्जती हुई है, कोरोना वायरस ही नहीं, उसकी जो एग्रेसिव पॉलिसी है उसके कारण से। अब सवाल यह उठता है कि इस ढंग की एग्रेसिव पॉलिसी चीन क्यों लाने की कोशिश कर रहा है? तो चूंकि इस ढंग का इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन और उसका हो रहा था तो उसको लगा कि जो लोग हैं उसके विरोध में भड़क सकते हैं, तो एक डाइवर्जनरी टेक्निक था जिसमें कि लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई थी कि चीन अभी भी मजबूत है, चीन मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि उसकी पॉलिसी साउथ चाइना सी में और भारत में भी काफी अग्रेसिव होती जा रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।